गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सादत हसन मेंटो के बारे में और इनका एक वर्क है तोबा तेग सिंह, जो कि उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में हमें दिया हुआ है, यूनिट नंबर 7 इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन करके हमारे पास है। और इस यूनिट की अगर बात की जाए, हमने सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें सादत हसन मेंटो का तोबा तेग सिंह आज हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा प्रेमचंद का डिलीवरेंस ये भी कवर कर लिया है। इसमत चुगताई का कल्लू ये वर्क भी हमने कंप्लीट कर दिया है। एमसीक्यूज वगैरह दो दो वीडियो जिनकी हर एक टॉपिक की हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, एक एक्सप्लेनेशन वाली एक एमसीक्यूज वाली। और महाश्वेता देवी का मदर ऑफ 1084 इस पर भी हमने दो वीडियोज बना रखी हैं, एक एक्सप्लेनेशन और दूसरा एमसीक्यूज। आज हम कवर करने वाले हैं सादत हसन मेंटो का जो एक वर्क है तोबा तेग सिंह इसको, और इसके बाद आपको शाम तक जो है नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत मायने रखता है और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं पहले से ही कह चुका हूँ, आप विकिपीडिया सर्च कीजिए या आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, आपको इनसे रिलेटेड ना तो एमसीक्यूज मिल पाएंगे। और बात करें जो डिटेल वीडियो हैं इनसे रिलेटेड, जो समरी से रिलेटेड, वो भी बड़ी मुश्किल से आप हासिल कर पाएंगे, उसके बारे में भी सटीक जो है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करना पड़ रहा है, उसके बाद ये मैटर हम कलेक्ट कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे पूरी पीडीएफ तैयार करते हैं और फाइनली यहाँ पे आप लोगों तक शेयर करने की हमारी कोशिश रहती है। तो सादत हसन मेंटो, इनके अगर जन्म की बात की जाए, इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, आप देख सकते हैं पंजाबी उर्दू एक राइटर हैं, ऑथर हैं। इनका जन्म हो रखा है 11 मई 1912 को, 11 मई 1912 को इनका जन्म हो रखा है और 18 जनवरी 1955 में इनकी डेथ हो रखी है। तो इनके लाइफ स्पैन की बात करें 1912 से लेकर 1955 तक इनका रहा है, 1912 से लेकर 1955 तक, ठीक है, लाइफ स्पैन इनका रहा है। वो जो पाकिस्तानी राइटर है, कैसे राइटर थे, पाकिस्तानी राइटर थे, प्लेराइट एंड ऑथर। इसके अलावा बोर्न इन लुधियाना, जन्म इनका कहाँ पे हो रखा था, लुधियाना में जन्म हो रखा था। आप कहेंगे पाकिस्तानी है लुधियाना में, ये ब्रिटिश इंडिया की बात चल रही है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। और ये जो इनका एक वर्क है तोबा तेग सिंह, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया पे आधारित है 1947। हु वॉज एक्टिव इन ब्रिटिश इंडिया, जो एक्टिव रहे कौन से पीरियड के दौरान, ब्रिटिश इंडिया एंड लेटर उसके बाद आफ्टर द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। अब ये उसके बाद 1947 के बाद कहाँ, पाकिस्तानी, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद से ये कहाँ पे रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान में, तो इसलिए इनको पाकिस्तानी राइटर कहा जाता है। ठीक, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, इनके अगर जन्म की बात की जाए, जन्म ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 11 मई 1912 को इनका जन्म हुआ और कहाँ पे हो रखा है, सेमराला पंजाब, ब्रिटिश इंडिया नाउ इन इंडिया, सेमराला पंजाब में ब्रिटिश इंडिया के दौरान, अब ये कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है। और डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई, 18 जनवरी 1955 को, 18 जनवरी 1955, जब ये 42 साल के थे इनकी मृत्यु हो गई। और लाहौर पंजाब, मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर पंजाब डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान नाउ इन पाकिस्तान, अभी कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में ही है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पाकिस्तान में, और जन्म कहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक, बढ़ेंगे इनके वर्क के बारे में बात करेंगे। ये इनकी पिक है, आप देख सकते हैं सादत हसन मेंटो की, और ये इनके बारे में थोड़ा सा, इसके बाद सीधे सीधे हम इनका जो वर्क है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे स्टोरी आपको बताई जाएगी और बाद में जो ये वर्क है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने प्रिपेयर कर रखे हैं, जिससे कि पूरी स्टोरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ही वॉज अ नोवेलिस्ट, प्लेराइट, एसेस्ट, स्क्रीन राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन, 1912 से लेकर 1948, उसके बाद ये पाकिस्तान में, यानी कि जब पार्टीशन हो जाता था तो पाकिस्तानी। इंडिया में कब तक रहे, 1912 से 1948, ब्रिटिश इंडिया की बात चल रही है, फिर पाकिस्तानी, यानी कि 1948 से लेके 1955 तक, और 1955 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जनर अगर बात करें तो ये लिटरेचर में कौन सी राइटिंग स्टाइल को अपनाते थे, ड्रामा, नॉन फिक्शन, सटायर, स्क्रीन प्लेज, पर्सनल कॉरेस्पोंडेंस। और एयर्स एक्टिव की अगर बात की जाए तो 1933 से लेकर 1955 तक।
नोटेबल वर्क्स आप देख सकते हैं। नोटेबल वर्क्स में क्या है, तोबा तेग सिंह जो कि हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है। इसके अलावा ठंडा घोष्ट करके है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए जी एच ओ होगा, ठीक है, गोश्त, ठंडा गोश्त, बू खोल दो, काली सलवार, हटैक, ये इनके वर्क्स हैं नोटेबल वर्क्स की। नोटेबल अवार्ड की बात की जाए तो इनको अवार्ड कौन कौन से मिल रखे हैं, निशाने इम्तियाज अवार्ड इनको मिल रखा है ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस इन 2012 में, पोस्टिमसली मिल रखा है, पोस्टिमसली कहा है, पोस्टिमसली मीन्स आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद इनको मिला हुआ है। तो एक ही नोटेबल अवार्ड है जो कि निशाने इम्तियाज, अगर पूछा जाता है उत्तराखंड एलटी के उसमें अगर क्वेश्चन बनता है निशाने हु गॉट द निशाने इम्तियाज अवार्ड करके, तो आपको आंसर क्या देना होगा उसका, सादत हसन मेंटो। तोबा तेग सिंह बात करेंगे तोबा तेग सिंह की, और ये क्या है इसका जॉनरा, अगर जॉनरा की बात करें शॉर्ट स्टोरी है, उसके अंदर अगर बात की जाए एक स्टोरी तो है ही, लेकिन उसमें ये क्या है, सटायर है, क्या है, सटायर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंग। तो तोबा तेग सिंह इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सादत हसन मेंटो एंड पब्लिश्ड इन 1955। तोबा तेग सिंह क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई है सादत हसन मेंटो के द्वारा, और ये पब्लिश कब हुई, 1955 में पब्लिश हो रखी है। इट फॉलोज इनमेट इन अ लाहौर एसाइलम, और इसमें स्टोरी कहाँ की बताई जाती है, लाहौर एसाइलम की, एसाइलम यानी कि पागलखाने की, ठीक है। सम ऑफ हुम आर टू बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया फॉलोइंग द 1947 पार्टीशन। तो इसमें से जो लाहौर असैलम होता है वहाँ से कुछ को क्या कर दिया जाता है, जो लूनेटिक्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, टू इंडिया फॉलोइंग द 1947 पार्टीशन, 1947 का जो पार्टीशन है उसके बाद, ठीक है, इंडिया उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल एसे हॉस्टेड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाय अ स्कॉलर, यानी कि बात की जाएगा पर्सनल ऐसे के उस पर, तो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कोई स्कॉलर थे इन ट्रेनिंग ऑफ उर्दू लिटरेचर की ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ पे। द स्टोरी इज अ पावरफुल, तो जो स्टोरी है ये क्या है, एक पावरफुल सटायर है एंड ऑल्सो अ बिटर इंडिक्टमेंट ऑफ द पोलिटिकल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर पैटर्न दैट प्रोड्यूस्ड पार्टीशन, और किस पे आधारित है, एक सटायर किस पे है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और उनके जो व्यवहार है उसके बेस पे, ये उस पे आधारित एक सटायर है, यानी कि पार्टीशन पर आधारित, जो विभाजन होता है, विभाजन किसके द्वारा, राजनीति के कारण जो विभाजन होता है उस पे आधारित है, कि क्या है, व्यंग्य। लैंग्वेज इसकी उर्दू है, ऑरिजिनली किसमें लिखा गया था, उर्दू में, ठीक है। जॉनरा इसका सटायर हो गया। प्लॉट की अगर बात की जाए, प्लॉट समरी यहाँ पे दी हुई है, इससे पहले हम यहाँ पे प्लॉट को डिस्कस करें उससे पहले यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स यानी कि इसमें जो पात्र हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर की बात करें तो तोबा तेग सिंह है, और तोबा तेग सिंह ही कौन है, बिशन सिंह इज नोन एज द नेम ऑफ तोबा तेग सिंह। बिशन सिंह है मेन कैरेक्टर, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो इसी में जो अदर कैरेक्टर्स हैं उसमें फजल दीन के साथ साथ अगर बात करें, फजल दीन कौन होता है, फ्रेंड ऑफ तोबा तेग सिंह यानी कि बिशन सिंह का, और इसके साथ साथ अमृत कौर रूप कौर हैं जो कि डॉटर हैं किसकी, तोबा तेग सिंह यानी कि बिशन सिंह की। फजल दीन जो है हमने बात की, फ्रेंड है इनके फजल दीन। और इसके अलावा बात की जाए तो दो और भी यहाँ पे उनका जिक्र होता है, अन्य बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है। लेकिन बात करें एक रघुवीर सिंह करके हैं, और एक अमृत कौर, और इसके साथ साथ एक बलबीर सिंह करके। ये इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जब जो है इनका फ्रेंड जो है फजल दीन इनसे मिलने आता है, तो वो जब कहता है कि सून यू विल बी मूविंग टू इंडिया, किससे कहता है, तोबा तेग सिंह से कहता है कि जल्दी आप भी इंडिया को रवाना हो जाएंगे करके। तो उस टाइम पे ये कहता है कि मेरा सलाम कहिएगा भाई बलबीर सिंह को, रघुवीर सिंह को, और इसके अलावा बहन अमृत कौर को,
तो ये फजलदीन कहते हैं। तो जो जो मेन कैरेक्टर्स थे हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। इसके अलावा एक एमएससी पास जो है रेडियो इंजीनियर होता है, लुनेटिकी है वो भी, ठीक। ये कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन। अब स्टोरी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्लॉट जो है, प्लॉट और स्टोरी में अंतर हमने पहले भी बता रखा है। प्लॉट क्या होता है और स्टोरी क्या होती है। स्टोरी जो है एक सिस्टमेटिकल होती है, ठीक है, और प्लॉट क्या होता है जिसको बोल सकते हैं नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिकल ना होके क्या होगा, मैंने बताया था कभी स्टोरी को प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, इस तरीके से वो किया जाएगा तो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो व्यूअर्स हैं उनमें। द स्टोरी इज सेट टू और थ्री ईयर्स आफ्टर दी 1947। जो स्टोरी है वो सेट है किस पे आधारित, दो या तीन साल बाद 1947 का जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान, उसके बाद दो या तीन साल बाद पर आधारित एक कहानी है, ठीक है। दो तीन साल बाद जो है ये कहानी उस पर आधारित है, जो पार्टीशन है 1947 का उसके दो तीन साल बाद लिखी गई, कहने का मतलब है। When the governments of India and Pakistan decided to exchange some Muslims, जब governments यानी कि सरकारों ने of India और Pakistan, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान की सरकार ने decide किया कि exchange करेंगे, अदला बदली करेंगे some Muslims, Sikh and Hindu lunatics, जो पागलखानों में रह रहे हैं lunatics, ठीक है, उनका exchange करेंगे, जो पाकिस्तान के हैं जो मुस्लिम हैं तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और जो सिख और जो हिंदू हैं तो उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। एंड रिवॉल्व्स अराउंड बिशन सिंह, और जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, बिशन सिंह के, बिशन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। और स्टोरी हमने बताया था ये जो वर्क है ये कब पब्लिश होता है, 1955। और रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न की डेट भी अगर आप चेक करेंगे तो 1955 ही आपको मिलेगी। तो बिशन सिंह कौन है, एक सिख इनमेट ऑफ एन एसाइलम, एक सिख हैं यानी कि लुनेटिक ही हैं जो कहाँ पे रह रहे हैं, एसाइलम इन लाहौर। अब इसकी अगर सेटिंग की बात की जाए तो इस तौबा तेग सिंह की, इसकी सेटिंग कहाँ पे है, लाहौर एसाइलम। अगर हम एक उसमें एक दो वर्ड में इसको याद करें तो लाहौर एसाइलम में जो है इसकी सेटिंग रखी गई है। इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, बिशन सिंह है। हु इज़ फ्रॉम द टाउन, जो कहाँ से है, जो सिख इनमेट यानी कि है एसाइलम में लाहौर के, हु इज़ फ्रॉम जो है कहाँ से, टाउन ऑफ तौबा तेग सिंह। अब ये जो बिशन सिंह है कौन से टाउन से बिलोंग करते हैं, तौबा तेग सिंह, तौबा तेग सिंह नामक एक कस्बे से ये बिलोंग करते हैं, कौन, बिशन सिंह। बाद में इनको ही तौबा तेग सिंह के नाम से जाना जाता है। एज पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, जब अगर एक्सचेंज की बात करें, जब अदला बदली हो रही थी लुनेटिक्स की, तो बिशन सिंह इज सेंट अंडर पुलिस स्कॉट, तो बिशन सिंह को भेज दिया गया पुलिस स्कॉट के अंडर में, इन स्कॉट टू इंडिया, इंडिया भेज दिया गया। बट अपॉन बींग टोल्ड, लेकिन जब बात की जाए उनको जो बताया जाता था दैट हिज होम टाउन तौबा तेग सिंह इज इन पाकिस्तान, जब वो पूछता था तो तौबा तेग सिंह कहाँ है, कुछ तो कहते थे इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बट अपॉन बींग टोल्ड बताया जाता है क्या, दैट हिज होम टाउन तौबा तेग सिंह इज इन पाकिस्तान, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ही रिफ्यूजेस टू गो, तो वो इंडिया जाने से फिर क्या कर देता है, मना कर देता है। द स्टोरी एंड्स, अगर बात करें जो स्टोरी समाप्त होती है विद बिशन सिंह लाइंग डाउन इन द नो मैन्स लैंड, तो क्वेश्चन ये बन सकता है अगर स्टोरी के एट द एंड ऑफ द स्टोरी वेयर इज बिशन सिंह, तो बिशन सिंह कहाँ पे है स्टोरी के अंत में, तो स्टोरी के अंत में जो है बिशन सिंह जो है तौबा तेग सिंह जिसको बोला जाता है नो मैन्स लैंड पे रहता है, बिटवीन दी टू बार्ड वायर फेंसेज, यानी कि वायर फेंसेज का मतलब है जो तार की बाड़ें बनाई जाती हैं, जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं वहाँ पे है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे लेटा हुआ। देयर बिहाइंड बार्ड वायर वॉज हिंदुस्तान, एक तरफ तो हिंदुस्तान था एक तरफ पाकिस्तान, कहने का मतलब बीच बॉर्डर पे लेटा हुआ था। हेयर बिहाइंड द सेम काइंड ऑफ बार्ड वायर वॉज पाकिस्तान, इधर अगर इंडिया था तो इधर पाकिस्तान, और यहाँ पे नो मैन्स लैंड पे ये लेटा हुआ था। इन बिटवीन यानी कि डेथ हो जाती है इनकी, इन बिटवीन ऑन दैट
पीस ऑफ ग्राउंड, एक ऐसे पीस ऑफ ग्राउंड की बात करता है दैट हैड नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं था, ले तोबा तेग सिंह। वहाँ पे तोबा तेग सिंह लेटा हुआ था मीन्स उसकी डेथ हो गई थी। जहाँ तक स्टोरी को हमने पढ़ा समझा, यही चीज़ हमें भी जानने को मिलती है। तो ये तो शॉर्ट में स्टोरी थी, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। आप स्टोरीज तो आपने अन्य चैनल्स के माध्यम से भी सुनी ली होंगी या विकिपीडिया की हेल्प ले ली होगी आपने। तो एक शॉर्ट में ये हम इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो उनका आंसर आप इजिली दे पाएँ। बिशन सिंह मटरिंग्स, अब बिशन सिंह क्या बुदबुदाता है, क्या बड़बड़ाता है, ठीक है। बिशन सिंह के कुछ पेट वर्ड्स थे जो बार बार बिशन सिंह बोलता था तोबा तेग सिंह, यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करता था, बिशन सिंह की अगर बात की जाए सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और इनके पेट वर्ड्स क्या थे, ये बोलते थे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फिट्टे मूंग करके, ऐसे ये इनके पेट वर्ड्स थे। तो ये भी पूछा जा सकता है ये लाइन देख के कि ये कौन बोलता था, हु सेज दिस या हुज पेट वर्ड्स आर दीज, ये पेट वर्ड्स किसके हैं करके ये भी पूछा जा सकता है। ये तोबा तेग सिंह यानी कि बिशन सिंह के ही पेट वर्ड्स हैं। इन दी स्टोरी व्हेन एवर बिशन सिंह गेट्स इरिटेटेड, जब कभी ये इरिटेट हो जाता था ही मटर्स, तो ये गुदगुदाया करता था या जोर से चिल्लाया करता था, ऑफ अ मिक्स ऑफ पंजाबी उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये मिक्स लैंग्वेज थी पंजाबी उर्दू और इंग्लिश की, जो ये सेंटेंस हमने बोला, विच दो नॉनसेंसिकल, यानी कि यद्यपि अगर बात की जाए तो नॉनसेंसिकल था, यानी कि किसी के समझ में भी ये नहीं आता था क्या कहना वो चाह रहा था, इज इंडायरेक्टली पेजोरेटिव ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि पेजोरेटिव टर्म था। पेजोरेटिव का मतलब पूछा जाता है, देखिए ये भी लिटरेरी टर्म्स है, पेजोरेटिव कहीं पे पूछा जाता है तो पेजोरेटिव होता क्या है, पेजोरेटिव क्या होता है ये पूछा अगर जाता है तो ये एब्यूजिव लैंग्वेज है, ये क्या है, एक एब्यूजिव वर्ड है बोल सकते हैं, इसी को एब्यूजिव भी बोला जाता है, इसी को डेरोगेटरी आपने सुना होगा, डेरोगेटरी टर्म करके भी आपने सुना होगा, डी ई आर ओ डेरोगेटरी, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, डेरोगेटरी भी बोला जाता है, डेरोगेटरी पेजरेटिव एब्यूजिव, या इसी को आउटरेजियस भी बोला जाता है। पेजरेटिव की बात हम कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या ये बोलता था, देखिए ऊपर दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फिटे मूंग करके बोलता था, विच मीन्स दी इन इन अटेंशन ऑफ दी एनेक्स ऑफ दी रंबलिंग अप स्टेयर्स ऑफ दी दाल ऑफ मूंग ऑफ दी पाकिस्तान एंड इंडिया ऑफ दी गो टू ब्लडी हेल, इसकी मीनिंग हुआ करती थी। अडेप्टेशन क्या है और कहाँ से इसको अडेप्ट किया गया है, इस अगर प्ले की बात की जाए, इस स्टोरी की बात की जाए, इसको किस में अडेप्ट किया गया है, इस पर मूवी बनी हुई है, तो अ फिल्म बेस्ड ऑन अ प्ले अडेप्टेशन ऑफ दिस स्टोरी वॉज मेड इन 2005, तो इस पर आधारित एक मूवी बनी हुई है 2005 में, आफिया नेथनिल करके आप देख सकते हैं इनके द्वारा, अ शॉर्ट फिल्म नेम्ड, जिसका एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है जिसका नाम तोबा तेग सिंह, वॉज रिलीज इन 2018 इन इंडिया, इंडिया में रिलीज हो रखी है 2018 में बोला। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाई केतन मेहता। तो ये है इसके अडेप्टेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है, तो ये तोबा तेग सिंह के बारे में यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट में जानने की कोशिश की। और रही सही कसर जो है वो एमसीक्यूज के जरिए हम यहाँ पे जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से कहीं तक उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में तोबा तेग सिंह से क्वेश्चन बनता है तो आप उसका इजीली आंसर दे पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोट्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स आप परचेज करें तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच।